तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोडी उर्फ गुरुचरण सिंह घर लौट आए हैं। 25 दिनों से वो गायब थे। उनके पिता ने दिल्ली पुलिस में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। कई दिनों तक गायब रहने के बाद गुरुचरण खुद घर वापस लौटे हैं। वापस लौटने पर गुरुचरण से पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान एक्टर ने बताया कि वो धार्मिक यात्रा पर दुनियादारी छोड़कर घर से निकले थे। इस बीच वो कई दिनों तक अमृतसर, फिर लुधियाना और ना जाने कितने शहरों में गुरुद्वारे में रुके। फिर उन्हें एहसास हुआ कि घर वापस लौट जाना चाहिए, तो वो घर वापस लौट कर आए हैं। बता दें, 22 अप्रैल को गुरुचरण सिंह घर से मुंबई रवाना होने के लिए निकले थे, लेकिन उनके लापता होने की खबर 26 अप्रैल को सामने आई। पिता ने बेटे को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने किडनैपिंग समझकर केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गुरुचरण 24 अप्रैल तक दिल्ली में मौजूद थे। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और ये भी मालूम पड़ा कि जल्द उनकी शादी होने वाली थी। इस बीच वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। फिर गुरुचरण ने 14,000 रुपए ATM से निकाले थे, ये खबर भी सामने आई थी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।